हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार धाकड़ और आप देख रहे हैं राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वेदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग क्या होता है। दोस्तों, आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और दोस्तों बहुत ही ऊर्जा के साथ उसको आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। देख दोस्तों, अगर आपको हमारा पिछले वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलते हैं हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे वेदरिंग के बारे में, तो इंट्रोडक्शन से शुरू होते हैं। तो वेदरिंग क्या होता है? ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक, वो बोले हैं जो अपना अर्थ है, और अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक, जो किससे बना है? पत्थर और रॉक से बना हुआ है। रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, और मिनरल रॉक्स किससे बने हैं? जो पत्थर हैं, जो किससे बने हैं? मिनरल से बने हैं। और आवर अर्थ इटसेल्फ इज चेंजिंग, और अपनी जो पृथ्वी है वो अपने आप चेंज होती रहती है। दैट इज रॉक आर गेटिंग चेंज्ड, इसका मतलब हुआ कि जो रॉक्स है ना वो अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज अ वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन जनरली कॉल्ड एज वेदरिंग। दोस्तों, बात ही है, वेदरिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल। देखो जैसे रॉक का टूटना या मिनरल का टूटना, ऐसा भले ही मिनरल नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। डिसइंटीग्रेशन मतलब फिजिकली टूटना, ब्रेक होना। ब्रेक मतलब बड़े पार्टिकल्स का ब्रेज हो, ब्रेक होके किसमें? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। एंड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ का गलना बाय केमिकल के थ्रू या पेड़ों के थ्रू या प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि उसको गला देना क्या कहता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो दोनों चीज़ यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यही जमा से पूछता है। वेदरिंग इज अ डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन कैसे आएगा? डैश इज द वेदरिंग इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, बोथ और नन। तो दोस्तों, फिर यहाँ पे नहीं समय होता तो गड़बड़ हो जाता है। तो वेदरिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग, वेदर किस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों देखो, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक एक है, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, क्लाइमेट वेरिएशन और फ्लोरल फॉर्म। दोस्तों, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है कौन सा? एक्टिव फैक्टर, और एक होता है पैसिव फैक्टर। तो दोस्तों, एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं? क्लाइमेट, और आप याद रखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर द एक्टिव फैक्टर। तो आपको ये याद रखना है, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज एक्टिव फैक्टर, जबकि जो पैसिव फैक्टर कौन से हैं दोस्तों? पैसिव फैक्टर कौन से हैं? एक तो अपना है टोपोग्राफी, कौन सा? टोपोग्राफी होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा अपना होता है पेरेंट मटेरियल, कौन सा दोस्तों? पेरेंट मटेरियल, कौन सा होता है? पेरेंट मटेरियल। तीसरा कौन सा होता है अपना? टोपोग्राफी हो गया और पेरेंट मटेरियल हो गया। तो ये है अपना, और जो रॉक्स जो होते हैं ना वो भी इसमें आ जाते हैं। तो दीज आर द पैसिव फैक्टर, मींस ये जो एक्टिव रहते हैं हमेशा वेदरिंग करने के लिए, वो किस में आते हैं? एक्टिव फैक्टर में आते हैं। तो आप इसको याद रखिए। एजेंट ऑफ वेदरिंग, ये भी एक एजेंट मींस क्या क्या कारक है, विंड है, ग्लेशियर है, रनिंग वाटर है, सी वेव्स है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो इसको तो आप याद रख सकते हैं कौन कौन से जो होते हैं फैक्टर हैं, ये भी एक तरह से फैक्टर हैं। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग कितने तरह के हो दोस्तों? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेदरिंग कितने प्रकार की होती है। तो वेदरिंग कितने की होती है दोस्तों? वेदरिंग तीन प्रकार की होती है। वेदरिंग किसकी होती है? फिजिकल वेदरिंग को ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। क्या?
मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं, और केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो दोस्तों देखते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। फिजिकल वेदरिंग जैसे आपको बताया कि आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग, एक पहला पॉइंट। और यह इट्स कॉज्ड बाय द चेंजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रक्शन रॉक्स ब्रेकअप। देखिए दोस्तों ये किससे होता है, सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर से जो अपने रॉक्स होते हैं वो गर्म होके साइज में फूल जाते हैं, और फिर जैसे ही वो उसका टेम्परेचर गिरेगा तो सिकुड़ जाते हैं। इसी फैलने और सिकुड़न की क्रिया में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जो ये क्रिया लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो आप इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो आप इसको समझ लीजिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना फिजिकल वेदरिंग। क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग। तो आप इसको समझ लीजिए, सब क्या है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर के, डायरियल वेरिएशन, किसको, डायरियल वेरिएशन, इसको बोलते हैं दिन और रात की जो वेरिएशन है ना उसके कारण है, मींस नाइट और डे के वेरिएशन, डायरियल वेरिएशन। या फिजिकल वेदरिंग हैपन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर, रूटिंग ग्रोथ प्लांट विच इज डिस्टिंग रॉक्स। तो दोस्तों ये रूटिंग वाला तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में आएगा, इसमें भी आ जाता है फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल ही तोड़ता है कभी कभी। तो सबसे पहले जो है फिजिकल वेदरिंग किससे होता है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से। बहुत डिटेल है वेदरिंग दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत करके आपको बहुत शॉर्ट मटेरियल बनाया है। नेक्स्ट होता है फ्रीजिंग, कभी कभी क्या होता है कि जो क्रैक्स होते हैं, किसके पत्रों के बीच में क्रैक्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, और वो पानी भरने से क्या होता है कि वो जम जाता है, कब, विंटर में जम जाता है। तो इस कारण जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है, आपको मालूम है कि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो इससे भरने से वो टूट जाता है। और आपने देखा वो कभी कभी पत्थर में प्लांट हो जाता है, तो उसके जो प्रेशर से क्या है वो जो चट्टाने टूट जाती हैं। फिजिकल वेदरिंग आप देख सकते हैं, देखिए ये हो रहा है, ये टेम्परेचर के कारण कभी टूट गया है, ये देखिए कई सारे पेड़ पौधे बढ़ने के कारण ये भी इसमें वेदरिंग हो रहा है। केमिकल वेदरिंग, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। दोस्तों इसमें डिसइंटीग्रेशन केमिकल में नहीं आता है, इसको आप याद मत करिए, ये डिसइंटीग्रेशन है। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय द केमिकल रिएक्शन, इसको आप रखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक बाय द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। वाटर यूज, वाटर कॉजिंग चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। तो आप इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है ना उसके समय उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देता है। देखिए समझते हैं डिटेल में, केमिकल वेदरिंग आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हो एसिड्स के कारण इस तरह की ये लेयर्स बन गई हैं। तो ये एक एग्जांपल है इसका, केमिकल वेदरिंग की एक इमेजेज है। टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, सॉल्यूशन, आप देखिए अगर एक चट्टान के ऊपर छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं तो उस पर क्या होता है, पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण उसमें से उसकी ऊपरी लेयर घुलने के सोल्यूशन बन जाता है, इट्स रैप्ड, क्या होता है, सोल्यूशन बन जाता है, इट्स रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल पार्टिकल एंड मिनरल्स फ्रॉम द रॉक। तो देखिए ये सोल्यूशन बन रहा है। ऑक्सीडेशन, इसमें क्या, एटमोसफेयर की जो ऑक्सीजन होती है ना वो किससे, जो उसमें ऑक्सीडेशन करती है, अन्य अन्य जो उसमें उपस्थित तत्वों से, तो ये ऑक्सीडेशन से का वेदरिंग करके जो नीचे आते हैं, जैसे कि मान लो सल्फर गैसेस में उड़ी आयरन में, तो ऑक्सीजन से देखने रहे SO2 बन गई। तो ये भी एक तरह से जब नीचे बारिश होगी तो ऐसे ढंग से क्या होगा, वेदरिंग कर देगा। कार्बोनेशन, इट इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एंड विद मिनरल्स, तो ये भी एक तरह से कार्बोनेशन। तो आपको टाइप्स में क्या रखना है, केमिकल वेदरिंग का क्या है, सॉल्यूशन किस में आता है, केमिकल वेदरिंग,
ऑक्सीडेशन किस में आता है, केमिकल वेदरिंग आता है, कार्बोनेशन किस में आता है, केमिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन किस में आता है, केमिकल वेदरिंग। तो आपको इतना ही याद रखना है, जैसे कि उसमें टेम्परेचर आ रहा था, आइस आ रहा था, तो वो किस में आ रहा था, फिजिकल में आ रहा था। देख लीजिए, तो जस्ट एक इमेजेज हैं। बायोलॉजी के वेदरिंग में क्या होता है दोस्तों, द एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। देखिए आप देखते हो कभी कभी, जैसे गिलहरी होती है वो पत्थरों में गड्ढे बनाती है धीरे धीरे, क्योंकि वो कंकड़ों को तोड़ती रहती है। गिलहरी है और स्नेल्स वगैरह हैं जो किस पे पत्थरों के ऊपर चिपके रहते हैं नदियों में, तो वो क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल एक्टिंग करते हैं। और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उससे भी पेड़ गल जाते हैं। तो दिस फैक्टर्स कम्स अंडर द बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे बायोलॉजिकल, अब आप देखिए ये पेड़ देखो यहाँ पर ये टूट रहा है, इसमें भी देखो पेड़ उग रहे हैं, ये सभी किसमें आते हैं, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग के पार्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल देख, बोरोइंग एनिमल्स जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये गड्ढा, क्वारिंग, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट। तो जो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट होता है वो भी क्या है, वेदरिंग करता है, क्योंकि वो बहुत ही एसिडिक होता है। तो अपन देखते हैं वेदरिंग लीड्स टू द सॉल फॉर्मेशन। वेदरिंग क्या करता है, सॉल फॉर्मेशन करता है। देर आर थ्री टाइप्स होता है, कौन सा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। दोस्तों आप इसमें देख लीजिए, फिजिकल किससे होता है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से, डे नाइट फ्लक्चुएशन से, क्या इसको क्या बोलते हैं, डायरियल वेरिएशन। और केमिकल वेदरिंग को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ये फिजिकल होता है डिसइंटीग्रेशन, केमिकल होता है डिकम्पोजिशन, एंड बायोलॉजी में दोनों आते हैं, कौन सा आता है, वैसा डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, और ये इसमें आपको मैंने बताया था एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। और पैसिव कौन से होते हैं, टोपोग्राफी है, और जो रॉक्स वगैरह है ये सब कैसे होते हैं, पैसिव फैक्टर होता है, पेरेंट मटेरियल है। तो और टाइम वगैरह है, टाइम भी क्या है, एक पैसिव फैक्टर है टाइम, याद रखिए, टाइम, टोपोग्राफी, तो ये सभी पैसिव फैक्टर हैं। दोस्तों पिछले हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम एक क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन सा जो ओरिजिन है वो ए एंड बी के बीच में पाया जाता है। प्लीज आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखें, ओनली आंसर लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है क्या क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हम ये लिख के नहीं रखते हैं। तो अभी ये वेदरिंग हो गया है दोस्तों, इसके आगे नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ इसको सुना, तो आप समझ लिए दोस्तों कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।